स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन सीखा। इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, सेम उसी तरह से पहले हम मोनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड भी करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ कैसे करना है। जैसे लिखा हुआ है -27x² y को डिवाइड करना है -9xy से। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स आप लिखेंगे, पहले क्वेश्चन रहेगा सोल्यूशन में, उसके बाद आप लिखेंगे -27x² y अपॉन -9xy। ओके, एंड यहाँ देखिए इक्वल हम लिख सकते हैं 9 1 जा एंड 9 3 जा, और दोनों ही नेगेटिव थे इसलिए 3 पॉजिटिव रहेगा। y भी कैंसिल हो गए, यहाँ पर सिंगल x है, ऊपर डबल x है क्योंकि x पावर 2 है, जिसमें से x मल्टीप्लाई x है। तो इस x से सिंगल x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x। ये आपका रिजल्ट हो गया। आप इसे चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ रही है यहाँ कट करने में, तो यहाँ आप करिए -27 x y अपॉन हो जाएगा -9 x y। यहाँ देखिए 9 1 जा 9 3 जा, x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, आपका आ गया 3x। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इस स्टेप के बाद सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं, या इस स्टेप के बाद पहले यहाँ जाएं फिर उसके बाद ये लाएं। ओके, जैसे भी आपको आए, अगर यहाँ थोड़ा शॉर्ट में है, अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये स्टेप आप ज़रूर करिए। इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें थोड़ा पॉइंट है, उन्हें भी देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कैसे वो कम्प्लीट होगा। लिखा हुआ है 0.065x² को हमें डिवाइड करना है 2.5x से। तो क्या हो जाएगा, ये 0.6065x² अपान 2.5x कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल्स दोनों के डेसिमल्स पूरा रिप्लेस करेंगे। तो इसमें 3 डिजिट है, मैक्सिमम डिजिट किसमें होते हैं, तो जिसमें भी मैक्सिमम डिजिट है, जैसे 3 डिजिट है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हो जाएगा ये 65 x x, और यह पान में हो जाएगा, हम 1000 का मल्टीप्लाई किए हैं, ये हो जाएगा 25 and 00। ओके, और मल्टीप्लाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, और इसे हम सेपरेट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इसे हम जब कंप्लीट किए, डिवाइड किए, तो आ गया 13x अपॉन 500। 13x अपॉन 500 को जब हम सेपरेट फॉर्म में कर देंगे, या पॉइंट में इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अपॉन में 500 है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका जो पॉइंट में रिजल्ट आएगा वो होगा एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 0.25। ये आपका रिजल्ट होगा, एंड इससे आप क्वेश्चन कम्प्लीट कर लीजिएगा, एंड कम्प्लीट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है तो उसे फिनिश करिएगा। चलिए, यहाँ पे 0.025x होगा। फिर स्टूडेंट्स, अब आता है हमें ट्राइनोमियल या बहुत सारे जिसमें टर्म होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए। जैसे सेकंड है, सेकंड में है 4x² y² -5xy² +6y³ -8y⁴ को हमें डिवाइड करना है 2y, मीन्स मोनोमियल से। जब भी आपको मोनोमियल से डिवाइड करना हो तो आप इसे क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे 4x² y² -5xy² +6y³ -8y⁴ upon 2y। या जैसे हम फ्रैक्शंस में ऐड करते हैं उसी तरह से हम इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आगे 4x² y² upon 2y, फिर हम माइनस, तो माइनस 5xy² upon 2y +6y³ upon 2y -8y⁴ upon 2y। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 जा
वाई से सिंगल वाई कैंसिल हो गया, ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन वाई से सिंगल वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टू वन जा टू थ्री जा, वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, टू वन जा टू फोर जा, वाई से एक वाई यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर इस टर्म में आएगा टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस, यहाँ पर आएगा फाइव अपॉन टू क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ है एक्स वाई, ओके। और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा प्लस थ्री है, थ्री वाई पावर टू क्योंकि सिंगल वाई कैंसिल हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, और माइनस फोर वाई क्यूब। इस वजह से इन सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है वो है वन अपॉन फोर वाई क्यूब माइनस टू अपॉन थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्स वाई, इसे आपको डिवाइड कैसे करना है माइनस वन अपॉन टू वाई से। आप क्या करेंगे, वन अपॉन फोर वाई क्यूब डिवाइड बाई माइनस वन अपॉन टू वाई, फिर माइनस है तो माइनस टू अपॉन थ्री वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस वन अपॉन टू वाई, और फिर प्लस वन अपॉन सिक्स वाई को डिवाइड करेंगे आप माइनस वन अपॉन टू वाई से, ओके। तो यहाँ हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए जब ये सिंगल माइनस के साइन आ रहे हैं तो आगे आ जाएगा नेगेटिव, टू वन जा एंड टू टू जा, सिंगल वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे वन अपॉन टू वाई स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ देखिए टू थ्री कैंसिल नहीं होगा तो ये आ जाएगा टू का टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री सिंगल वाई से सिंगल वाई कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा वाई, और यहाँ वाई से वाई कैंसिल हुआ तो वन जा एंड टू थ्री जा, क्योंकि डिवीजन में है इसलिए मैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। प्लस वन अपॉन थ्री आपका ये सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा सिंपल फॉर्म में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें हमें डिवाइड करना है, डिवाइड इसमें पहले भी हम कर रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि हम बायनोमियल मोनोमियल की जगह पर अब हम बायनोमियल से डिवाइड करेंगे, माइनस सिक्स एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन को डिवाइड करना है आपको टू एक्स प्लस टू से, ओके। तो आप इसे अब नॉर्मल जैसे पहले अभी डिवाइड कर रहे थे वैसे डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टेन इज डिवाइड बाय टू एक्स प्लस टू, इस तरह से फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। अब चेक कर लेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है दोनों के सिस्टमेटिक लिखने के बाद, जैसे कि फोर एक्स स्क्वायर है इस टू एक्स से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा ये फाइंड करने के लिए हम फोर एक्स स्क्वायर को टू एक्स से डिवाइड किया तो कितना क्या आया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू वन जा टू टू जा हमें मिला टू एक्स, तो यहाँ पहले क्या आएगा टू एक्स। अब टू एक्स का ये जो डिवाइजर था डिवाइजर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू एक्स का टू एक्स से मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स का टू से मल्टीप्लाई किए तो आ गया माइनस सॉरी यहाँ प्लस फोर एक्स, ओके। हम माइनस कर रहे हैं इसलिए दोनों ही टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ये भी माइनस ये दोनों देखिए जीरो हो जाएंगे, ये भी निगेटिव हो जाएगा माइनस टेन एक्स माइनस टेन। अब फिर से वही काम करना है हमें, इस टर्म को फर्स्ट टर्म को हमें 2x वाले टर्म से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस टेन एक्स अपान टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, टू वन जा एंड टू फाइव जा मीन्स माइनस फाइव आएगा, तो यहाँ जो भी साइन आएगी उस साइन के साथ लिखेंगे, अगर प्लस में तो प्लस लिखेंगे माइनस तो माइनस लिखेंगे, यहाँ आएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव का आप इससे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस टेन एक्स और माइनस टेन, जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करते ही ये जीरो हो जाएगा और आपका क्वासेंट जो आ जाएगा वो आपके सामने होगा, ओके। क्वासेंट क्या आएगा टू एक्स माइनस फाइव, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लिए, टू एक्स माइनस फाइव आया क्वासेंट, और इस तरह से आप डिवीजन करिएगा। और क्वेश्चन नंबर थ्री तक ही मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री के मैं फिफ्थ क्वेश्चन को एक फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा वो उसमें फाइव टर्म्स हैं मीन्स वो पेंटानोमियल है, पेंटानोमियल को बायनोमियल से हमें डिवाइड करना है, तो अगर वो नहीं बनते हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन से बताऊंगा,
और फिर अगले जो 4 to 10 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ।